बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गुत्थी जिस तरीके से उलझ रही है उसी तरीके से कई सारे खुलासे भी हो रहे हैं। और ऐसे में जब से रिया चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू फिर से सामने आया जिसमें रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के खिलाफ फिर से झूठ कहा और उसने ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत फ्लाइट में बैठने से डरते थे, तो ऐसे में अंकिता ने एक वीडियो शेयर कर खुद खोला राज कि सुशांत सिंह राजपूत फ्लाइट पे बैठने से डरता नहीं था, बल्कि यहाँ पर ये सब कुछ रिया चक्रवर्ती ने झूठ कहा है। रिया चक्रवर्ती का झूठ एक बार फिर से पकड़ा गया है और ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी और संदीप सिंह का सच भी सामने आया, जहाँ पर संदीप सिंह ने झूठ कहा कि उसने एम्बुलेंस वाले को पैसे दिए और उसके बाद संदीप सिंह किस लिए कूपर हॉस्पिटल पहुंचे थे उसका भी खुलासा हुआ। इसी के साथ सिद्धार्थ पिठानी का सच भी सामने आया कि आखिर क्यों उन्होंने 2000 रुपए पकड़ाए चाबी बनाने वाले को, और जब चाबी नहीं बनवानी थी और दरवाजा तोड़वाना था तो दरवाजा खुद सिद्धार्थ पिठानी भी तोड़ सकता था जिसने चाबी वाले का 1 घंटे तक इंतजार किया। और अब सवाल ये भी है कि आखिर सिद्धार्थ पिठानी के पास उस चाबी वाले का नंबर कैसे आया? क्या पहले से ही सिद्धार्थ पिठानी ने प्लानिंग कर रखी थी कि यहाँ पर कुछ ऐसी प्लानिंग होगी और उसके बाद उसे चाबी वाले की जरूरत पड़ेगी ताकि किसी का शक सिद्धार्थ पिठानी पर ना जाए? सवाल कई सारे हैं और ऐसे में हर एक शख्स डिमांड कर रहा है इन सब के जेल जाने की। जहां पर आज ही सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने वीडियो बनाकर शेयर की वीडियो और कहा कि वो चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती ही असली कातिल है जिसने उनके बेटे की जान ली है। वो किस तरीके से ड्रग्स देती थी, ड्रग डीलर का जिस तरीके से खुलासा हुआ है उसके बाद से पिता ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती ही असली गुनहगार है, उसे जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, उसे सजा दी जाए। और ऐसे में सुशांत के फैंस के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, हो सकता है कि CBI बहुत जल्द इस केस को सॉल्व कर दे और सॉल्व करने के बाद जितने भी गुनहगार हैं चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, सिद्धार्थ पिठानी हो, संदीप सिंह हो, नीरज हो या फिर सौविक चक्रवर्ती, हर एक शख्स होगा CBI की कैद में, हर एक शख्स होगा एक्सपोज और सच आएगा सामने, सबको गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें मिलेगी जेल की सजा। तो सुशांत के फैंस के लिए ये है गुड न्यूज़, जहां पर बहुत जल्द सुशांत को मिलने वाला है इंसाफ। नेक्स्ट चैनल लाइव से रजनी की रिपोर्ट।